माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फंक्शन डिटेल ऑफ इंसर्ट टैब। हमने इंसर्ट पढ़ा था, याद है आपको? इंसर्ट में हमने पिक्चर तक जो है वो पढ़ा था, टेबल पढ़ा था, पिक्चर्स पढ़ी थी, ठीक है। चल रहे, अभी हमारे पास इंसर्ट टैब की आगे के जो फंक्शन है उनको हमने देखना है, जिसमें स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट और एड इन्स की चीज़ें हैं, ऑनलाइन वीडियो और मीडिया। अब देखिए आपके पास चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी आ रही हैं और ये चीज़ें थोड़ा सा एडवांस की तरफ होती हैं। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा जो जो इस कोर्स में समझाने की हैं, इंशाल्लाह उसको हम समझा देंगे। जो आगे किए हैं उनको हम फिर नेक्स्ट किसी चीज़ के लिए रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है वो शेप्स बनी होती हैं, जिनके ज़रिए आप अपने डेटा को, आप अपनी मालूमात को जो है वो डिज़ाइन देकर किसी चीज़ को समझा सकते हैं, किसी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई साइंटिफिक डेटा है तो उसमें कोई साइंटिफिक डायग्राम लाकर, या कोई आम डेटा है तो उसमें आम सी कोई डायग्राम लाकर आप बजाय उसको लिखकर पूरा समझाने के, आप डायग्राम की मदद से वो ऑप्शन देकर, फंक्शन देकर आप चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने इंसर्ट की बात करनी है कि इंसर्ट करना है मतलब चीज़ें उसमें डालना, पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ों को ऐड करना, ठीक है। अब मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कितने किस्म के स्मार्ट आर्ट होते हैं और कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, कैसे हम उसके अंदर डेटा फीड करेंगे या कैसे हम उसके अंदर पिक्चर वगैरह डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट। अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखी है, अक्सर क्रिकेट देखते हो आप लोग, उसमें चार्ट की मदद से आपको दिखाया जा रहा होता है कि कौन सी टीम ऊपर जा रही है, कौन सी टीम नीचे जा रही है, या कौन से बॉलर ने कितने ओवर में कितने रन्स दिए, कितनी विकेटें ली। तो ये एक तो होता है वर्बली, वो आपको कमेंट्री वाला बता रहा होता है, दूसरा वो चार्ट की मदद से आप जब देखते हैं तो कभी स्कोर अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, एक ने जाके लीड इतनी बना दी, दूसरा भी उसके ऊपर पहुंच रहा है। तो ये चार्ट की मदद से हम डिफरेंट अपने डेटा को जो है वो शो करा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकली तौर पर। उसके बाद हमारे पास है स्क्रीनशॉट। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्क्रीनशॉट आजकल सब लेते हैं, मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट होता है कि आपकी स्क्रीन को वो कॉपी कर लेता है या उसकी पिक्चर बना लेता है। इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन का भी जो है वो स्क्रीनशॉट बनाकर रख सकते हैं। देखें उसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखें, ये जो मैंने पिक्चर ली हुई है, ये पिक्चर मैंने कैसे बनाई, थोड़ा अंदर हो जाएं आप अंदर हो जाएं, आप थोड़ा अंदर हो जाओ, हाँ बस, ठीक है। ये पिक्चर मैंने कैसे बनाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसको जो है वो एंड में जाकर पेस्ट कर दिया और वहाँ से इतना सा टुकड़ा मैंने क्रॉप कर लिया, या मैं ऑफिस के भी किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको जो है वो रख सकता हूँ। तो आप डायरेक्टली अगर स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं, अपने पेज पर रखना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट की मदद से हम शॉट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एड इन्स, ये पहले के ऑफिस में नहीं होती थी इस तरह की चीज़ें, अब इन्होंने दे दी हैं क्योंकि ऑफिस का एक अलग से स्टोर बना हुआ है। माय एडिंस क्या है, एडिंस होता है क्या है, आप नेट की चीज़ों को, नेट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑफिस के कामों में मदद देते हैं, आप क्या करते हैं, आप उनको अपनी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो किससे अटैच करते हैं, एड इन की मदद से आप जो है वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, वो वेब जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे चीज़ों को कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन वीडियो, अगर आप अपने पेज में डायरेक्ट यूट्यूब की कोई वीडियो डालना चाहते हैं या वेबसाइट से कोई वीडियो लेकर डालना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीन फंक्शन आ रहे हैं लिंक्स के, ठीक है। हर पोर्शन को अलग अलग इसने
डिफाइन किया हुआ है। लिंक्स के तीन फंक्शन हैं, एक है आपका लिंक जिससे डायरेक्टली आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद बुकमार्क्स होते हैं, क्रॉस रेफरेंस होता है। क्रॉस रेफरेंस क्या है, आपके पास अगर 10 पेजेस की जो है वो फाइल है, आप पेजेस को ही आपस में अगर कनेक्ट कर लेते हैं कि जी मैं इस लफ्ज़ पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट ये मेरी डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब ये पेज मेरा आ जाए। अब जैसे मेरे पास एक चीज़ थी रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं क्या करता हूँ जी रूल नंबर 10 पहले पेज पर डिफाइन कर देता हूँ, उसको क्रॉस रेफरेंस दे देता हूँ 10 लाइन का। आप जैसे 10 पर क्लिक करेंगे तो वो रूल नंबर 10 पर जाकर आपका कर्सर खड़ा हो जाएगा कि ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रिंट वगैरह में शो नहीं होते, ये वैसे ही आपके पास शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो इंसर्ट टैब है उसका सेकेंड पोर्शन है, इसके बाद एक पोर्शन और आएगा। फिलहाल हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि इसमें होता क्या है, स्मार्ट आर्ट क्या है, चार्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग सारे जो है वो इस तरफ देखिएगा, फिर आप काम जो है वो करते जाइएगा, ठीक है। देखिए हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर तक जो चीज़ें पढ़ी थी वो आप लोगों को याद हैं, हमने टेबल पढ़ा था, पेजेस में जो हमारे पास फंक्शन थे वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हमारे पास शेप्स हमने पढ़े थे, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली होता क्या है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखें यहाँ पर तमाम किस्म के स्मार्ट आर्ट आपको मिलेंगे, इसके अलावा इनको अलग अलग लिस्ट में भी शुमार किया गया है। जैसे ये लिस्ट वाले हैं तो ये सिर्फ लिस्ट में, ये प्रोसेस के हैं, ये साइकिल के हैं, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर हैं, मैं आपको फ़िलहाल एक आल में हम चलते हैं, वहाँ से हम एक चीज़ ले लेते हैं जिसमें हम पिक्चर भी शो करा सकें। मैंने ये एक जो है वो स्मार्ट आर्ट ऐड किया है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ये फंक्शन दे रहा है कि आप अगर कुछ टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं, एजु क्राफ्टर्स, ठीक है, अकेडमी हब। ये तीन पे जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो इंटर किया तो यहाँ पर देखिए इन्होंने टेक्स्ट जो है वो लिखकर दे दिया है। अब अगर मैं कोई पिक्चर रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके ये अगर आप ऑनलाइन पिक्चर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फंक्शन दे देगा कि आपने एक पिक्चर कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर पिक्स जस्ट समझाने के लिए। ये एक पिक्चर है, बल्कि साफ़ वाली ले लेता हूँ ताकि आपको, ठीक है, ये पिक्चर इस पर आ गई। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वर्क ऑफलाइन, ये एक पिक्चर आ गई और आएगी उतनी जितनी साइज़ उसकी बनी हुई है, ठीक है। ये एक पिक्चर आ गई, देखिए ये तीन पिक्चर्स मैंने इस डायग्राम में शो करा दी। जैसे मैंने बाहर पेज पर क्लिक किया तो इसकी एडिटिंग का जो पेन था वो चला गया। ये एक डायग्राम आप बना सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने डेटा को शो करा सकते हैं। अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मज़ीद इसकी चीज़ें यहाँ पर खुल जाएंगी। देखें सबसे पहले शेप ऐड करना, अब आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, आप कहते हैं यार मैं चौथी शेप भी ऐड कर दूं। देख रहे हैं सब गौर से, तो यहाँ से आप शेप ऐड कर देंगे इसके अंदर तो देखें ये चौथी शेप भी ऐड होगी और यहाँ पर चौथा टेक्स्ट भी आपके पास आ गया, ठीक है। मिसाल देखें यहाँ से जब हमने मिसाल के तौर पर जब हम क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे
ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ऐड शेप करेंगे तो हम शेप इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसी सेम तरीके से जैसे हमने डेटा इंटर किया था उसी तरीके से हम डेटा इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ऐड बुलेट, बुलेट क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये एजुक्राफ्टर आ रहा है, एजुक्राफ्टर के साथ साथ मैं और टेक्स्ट भी इसमें डाल दूँ, तो मैं इसमें ऐड बुलेट करता जाऊँगा, जितने बुलेट्स ऐड करूँगा मैं इसमें मज़ीद दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इसी में लिख दिया अकेडमी हब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने तीन बुलेट्स जो है वो किए, अगर मैं इन बुलेट्स को दोबारा ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड की मदद से भी ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट पेन आ रहा है, ये आपको यही बता रहा है टेक्स्ट पेन, ठीक है। प्रोमोट करेंगे, ठीक है, तो एक और उसमें जो है वो ऐड हो जाएगी शेप। राइट लेफ़्ट पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राइट की शेप में लेफ़्ट में कन्वर्ट कर दूं या लेफ़्ट की शेप में राइट में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। आ रही है चीज़ें समझ में? अब मज़े की बात आपको एक और बताता चलूँ, आपने एक बार शेप ले ली, आपने एक बार जो है वो स्मार्ट आर्ट ले लिया, अब आपने डेटा भी डाल दिया, आप चाहते हैं यार ये मुझे जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस स्मार्ट आर्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लेआउट चेंज कर सकता हूँ। जिस पर मैं जाऊँगा मुझे नीचे लेआउट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अब इसमें यह है कि कुछ पिक्चर्स वाले हैं, कुछ बग़ैर पिक्चर वाले हैं, जो बग़ैर पिक्चर वाले हैं वो आपको पिक्चर शो नहीं कराएंगे, ठीक है। ये देखें जो पिक्चर वाले हैं वो आपको पिक्चर शो करा देंगे। इसके अलावा इसमें सिंपल कलर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं मैं इसका कलर चेंज करूं तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखें ये डिफरेंट कलर आ रहे हैं, मैंने ये कलर रख दिया। इसके अलावा इसकी स्मार्ट आर्ट की कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से डिफरेंट स्टाइल ले सकता हूँ, शेडो के स्टाइल हैं, दूसरे हैं, 3D स्टाइल्स हैं, देखें 3D स्टाइल में चूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं अपने डेटा को स्मार्ट आर्ट की मदद से शो करा सकता हूँ, ठीक है जी। मैं कोई भी एक 3D डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये मेरा एक स्मार्ट आर्ट बन गया। आया समझ में? कोई मसला? मेरी तस्वीर ना है, मसला नहीं है, उसकी आ जाए बस, वहाँ की आ जाए, वो तो यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ये था हमारा जी स्मार्ट आर्ट। उसके बाद हमारे पास है जी चार्ट, क्या है? चार्ट। चार्ट हम इंटर करते हैं अपने पेज में, देखें जैसे मैंने चार्ट इंटर किया तो यहाँ पर आपके पास चार्ट की विंडो आ गई। जैसे आपके पास बहुत सारे स्मार्ट आर्ट थे, इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे चार्ट भी मौजूद हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे लाइन वाले चार्ट होते हैं, पाई के चार्ट हैं, बार है, एरिया है, डिफरेंट टाइप के आपके पास चार्ट यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल हम किसी एक सिंपल चार्ट को बनाएंगे ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। ये मैंने एक चार्ट का डिज़ाइन ले लिया और ओके कर दिया उसको। अब जैसा देखें एक चार्ट मैंने ओपन किया, उसके साथ मेरे पास एक शीट ओपन हो गई है। क्या ओपन हो गई है? शीट ओपन हो गई है, चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ये शीट एक्सेल की शीट है। मेरा जो डेटा इंटर किया हुआ है वो एक्सेल की शीट में होता है, जैसे मैं वहाँ से चेंजिंग करता जाऊँगा मेरा चार्ट चेंज होता जाएगा। अब इसको और से देखिएगा, ये अगर आगे जो टेस्ट आने वाला है, आज से जो असाइनमेंट शुरू होने वाली हैं, इसमें आपको काफ़ी मदद देगा, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी आ रही है, एक सीरीज़ आ रही है, ठीक है। हम इसको अपने तरीके से चेंज करते हैं। कैटेगरी की मदद से मैं कहता हूँ जी मैं रख लेता हूँ अली, मैं नाम रख देता हूँ, मैं एक मार्कशीट बना देता हूँ अहमद, ठीक है जी, और मोहम्मद उस्मान। देखें जैसे मैंने नाम लिखे तो कहाँ पे नाम आ गए,
यहाँ पर अली आ गया, यहाँ पे अहमद आ गया, यहाँ पे मोहम्मद आ गया, यहाँ पर इंटर नहीं किया मैंने, जैसे इंटर किया तो आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ, मैं एहसान एक और ऐड किया, तो यहाँ पर देखें एहसान नाम ऐड हो गया। जैसे मैं वैल्यूज़ देता जाऊँगा तो वो चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी। मैं साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि इसको समझते जाएँ। उसके बाद मैं इस सीरीज़ को मैं कर देता हूँ जी मैथ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जी इंग्लिश, इसको मैं कर देता हूँ जी उर्दू। अब अली ने मैथ में लिए 54 नंबर, ठीक है। क्या आगे वैल्यू 50 से ऊपर चली गई वैल्यू, ये वैल्यू इसको शो करा रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें। इंग्लिश में लिए इसने 64, उर्दू में लिए 72, ठीक है। ये अली के आ गए। अहमद ने लिए 78 मैथ में, इंग्लिश में बेचारा नहीं ले सका, इसने ये लिए 33, और उर्दू में इसने ले लिए 45, ठीक है। इसी तरीके से मोहम्मद ने मैथ में ले लिए 67, इंग्लिश में ले लिए 89, और उर्दू में इसने ले लिए 35। ये डायग्राम आपको, ये चार्ट आपको इनकी वैल्यूज़ शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एहसान रह गया, जो कि उसकी हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो देखें वो ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर इंटर करूँगा जी, इसने ले लिया 25 नंबर, फेल हो गया बेचारा। 47 ले लिए इसमें, और 69 ले लिए इसमें। आ रही चीज़ें समझ में? इस तरीके से हम चार्ट की मदद से अपने वैल्यूज़ को, अपने डेटा को हम शो करा सकते हैं, उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और पेपर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैथ के, उर्दू के बजाय, उर्दू के बाद मैं लिख देता हूँ जी SST, ठीक है, तो वो पेपर भी मेरा एक और ऐड हो जाएगा। अगर मैं उसके मार्क्स देता जाऊँ 39, देखें पेपर ऐड हो गया, नंबर अलग हो गया, ठीक है। 56, 74, और अच्छा यहाँ पर उस्मान का 49 है। उस्मान की अपनी वैल्यू चेंज नहीं की थी क्या? अच्छा उस्मान की अपनी वैल्यू चेंज नहीं की, ठीक है, कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ये 56, 44, 33 आ गया जी समझ में। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 वैसे लेता तो नहीं है कोई, चलो ये 100% पे आपके आ गया, और आपकी चार्ट की शीट उतनी ऊपर बढ़ती जाएगी। आ गया जी यहाँ तक समझ में? अब मैं इस शीट को बंद कर दूँगा। अब मेरा चार्ट बन गया, मेरी डॉक्यूमेंट में मेरा चार्ट इंटर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर चार्ट को एडिट करने की चीज़ें हैं। जब मैं चार्ट पर डबल क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से शेप्स दे सकता हूँ, देखें इसके बॉर्डर को। बैक में देखें आपके पास चेंजिंग नज़र आ रही होगी, आप इस तरीके से जो है वो चार्ट को अपने शो करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप शेप्स चेंज कर सकते हैं, या जो है वो आप फॉर्मेट सिलेक्शन, कलर आपने चेंज करना है इसके फिल का, तो यहाँ से आप थीम का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर तो इतना ख़ास ज़ाहिर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बॉर्डर के वेट को बढ़ाएंगे तो बॉर्डर ज़ाहिर हो जाएगा, ठीक है। आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 3D इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं,
सेम वही पिक्चर्स के जो हमने डिज़ाइन दिए थे या शेप्स को हमने डिज़ाइन दिए थे, वो शेप वो डिज़ाइन हम अपने जो है वो चार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। हैं? अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने इस चार्ट के ऊपर क्लिक किया, अब मेरे पास चार्ट की तकरीबन प्रॉपर्टी जो है वो ओपन हो गई है। देखें यहाँ पर, यहाँ से मैं डायरेक्टली अब चार्ट की शेप अगर मैं चेंज भी करता हूँ तो मैंने डेटा इंटर कर दिया है, वो डायरेक्टली मेरा डेटा उस तरह बन सकता है। ठीक है जी। इस तरीके से आप चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं, या अगर आपने चार्ट के एलिमेंट चेंज करने हैं तो यहाँ से आप एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टैंडर्ड चार्ट वगैरह वगैरह, चार्ट का लेआउट। अब अगर चाहते हैं कि यार मेरे पास जो शीट खुली हुई थी, आ गई लाइट सर, 5 मिनट मैं ये समझा दूं फिर बंद करते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने वो शीट जो है वो दोबारा लानी है जिसमें मैंने डेटा इंटर किया था, तो मैं यहाँ से जो है वो इसको दोबारा ला सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डेटा दोबारा आ जाएगा और मैं अपनी शीट को यहाँ से कोई भी चेंजिंग करके अपने चार्ट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है।